सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। सतगावा प्रखंड के झामुमो छात्र मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइब्रेरी की मांग की है। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में हर प्रकार की नई पुरानी के साथ दुर्लभ किताब उपलब्ध होती है। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो बाजार में आसानी से नहीं मिलती हैं। उन्हें खरीदने के लिए बहुत भटकना पड़ता है। इस तरह की पुस्तकें भी लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाती हैं। गरीब छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। सतगावा प्रखंड में ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास किताब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। आजकल तो किताबें भी बहुत महंगी मिलती हैं। ऐसी स्थिति में लाइब्रेरी वरदान साबित होती है। वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट किसी किताब को पढ़ सकता है और इसे इश्यू करा घर भी ला सकता है और पढ़ाई जारी रख सकता है। इसलिए लाइब्रेरी गरीब छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मांग करने वाले में धर्मेंद्र कुमार, ब्यूटी कुमारी, सुबोध कुमार, आकाश कुमार यादव, प्रवीण कुमार यादव, प्रवीण कुमार यादव, रणवीर कुमार, प्रमोद कुमार, सोनू कुमार, विपुल कुमार, विक्रम कुमार, सुमन कुमार, साजन कुमार, संदीप कुमार, सन्नी पांडे, नवलेश कुमार, संजीत कुमार, नीरज यादव, उत्तम कुमार, राजीव यादव आदि लोग शामिल हैं। आइए अखिलेश जी, आपकी क्या मांग है? छात्र आइए। अपना परिचय देते हुए बोलिए आपकी क्या मांग। मैं अखिलेश कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड छात्र मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष है। और ये जो लाइब्रेरी भवन है ये काफ़ी दिन से बंद पड़ा है और इसमें एक भी पुस्तक अवेलेबल नहीं है। किस कारण से अवेलेबल नहीं है ये हमारे वरीय पदाधिकारी हमको जानकारी दे कि इस वजह से अवेलेबल नहीं हो पाया। और शिक्षक के अभाव से जिस तरीका से हमारे क्षेत्र को बिछड़ रहा है, टूट रहा है समाज मेरा, हम इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं शिक्षा हमारे क्षेत्र में आवे और लाइब्रेरी एक स्थापित हो जिस लाइब्रेरी से हमारा समाज कुछ पढ़े और उससे कुछ आगे अब सीख मिले और समाज को बदलने का काम करे। धन्यवाद।